वेलकम टू मैवरिक ब्लॉग। होप यू गाइज ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। और आज मैं चल रहा हूँ रांची टू विजिट सम वाटरफॉल। और हाँ, दिस इज नॉट अ ट्रेकिंग ब्लॉग, चलो देखते रहो, इट शुड बी अ डिफरेंट वन। वेल, आई एम इन हावड़ा स्टेशन राइट नाउ एंड मेरी ट्रेन जो है विच इज़ बिहाइंड ऑफ मी, विच इज़ क्रिया योगा एक्सप्रेस एंड विच विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर बाई 9:30। So hopefully by 5:30 we all will reach to Ranchi station and stay with me. Good morning viewers, just I reached to Ranchi station aur train time pe pahunch gaya. Now I'm thinking to have some breakfast to get in fresh, then we will book the car and we'll go to the destination. Chalo. वेल, स्टेशन से निकलने के बस बाहर ही मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मैंने ही थॉट कि चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए, बस वही निकलते वक्त मेरे को दिख गया मेरा फेवरेट लिट्टी और चोखा। चलो मेरे को तो बस अभी वही चाहिए ब्रेकफास्ट में। वेल, चलो दिखाता हूँ तुम लोगों। ब्रेकफास्ट के बाद गाइस स्टेशन के बाहर ही ना यू ऑल विल गेट दैट ऑटो स्टैंड, और ऑटो स्टैंड से आप लोग मतलब यू कैन बुक दैट ऑटो, इवन यू विल गेट दैट फोर व्हीलर ऑल्सो। फोर व्हीलर ऑटो कुछ भी मिल जाएगा आपको, थोड़ा बार्गेनिंग मतलब बार्गेनिंग की ज़रूरत है आप लोगों को डेफिनेटली। उसके बाद वी हैव स्पोकन विद अ ड्राइवर ऑटो वाला, तो भैया हमको लेके जा रहा है और आज के लिए हमारे सवारी हो जाएगा यही ऑटो। लेट्स चेक। सो आज का पहला डेस्टिनेशन है जूरा वाटरफॉल, जो है अपना रांची स्टेशन से लगभग 16 से 17 किलोमीटर। गाड़ी में कुछ ज़्यादा चार्जिंग हो रहा है तो ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है कैमरा, सॉरी फॉर दैट। आज का वेदर है बहुत ही अच्छा, धूप ज़्यादा है नहीं, सुबह हल्का सा बारिश भी हो गया, बींग इन कोलकाता इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू फाउंड दैट काइंड ऑफ प्लेस विच विल बी पॉसिबल टू कम्प्लीट इन वन डे। सो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आई गॉट दिस प्लेस एंड आगे आगे देखते जाओ हाउ डू वी मेट दिस। सो एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे हमको चार्ज करता है वाटरफॉल के लिए, तो पर पर्सन 10 rupees। सो वी वेयर 2 person, सो आई हैव पेड 20 rupees फॉर दैट वाटरफॉल। और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा चालू होगा यूना के लिए, ठीक है। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये रास्ता इतना तक ही है और यहाँ से चालू होता है स्टेयरकेस। यहाँ पे भी अच्छा खासा वो स्टेयर्स बना के रखा है, दिस इज़ रियली वेरी गुड। ट्रेकिंग का ज़्यादा झंझट है नहीं, पैदल वाला रास्ता ही है। लेट्स चेक इट आउट। आई वॉज डैम एक्साइटेड फॉर दिस वेकेशन बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स सच अ लॉन्ग टाइम मैं कहीं पे घूमने नहीं गया था, और कोलकाता के नज़दीक में इतना अच्छा जगह, सो डेफिनेटली आई हैव टू विजिट। चलते चलते कुछ ऐसे भी दोस्त मिल गया था जो मेरा कंपनी देने में एकदम आगे था, सो डेफिनेटली आई वॉज एंजॉइंग इन दैट टाइम। मोर देन 500 stairs के बाद ना ये जूना वाटरफॉल आपको दिखेगा। इवन उसके नीचे जाने के लिए स्टेयर्स ख़त्म होने के बाद भी और थोड़ा से ऐसे चट्टाने हैं, चट्टाने के नीचे से आपको जाना पड़ेगा। लगभग 450 सीढ़ी ख़त्म करने के बाद वाटरफॉल का एक छोटा सा व्यू दिखता है, मतलब दूर पे इसलिए छोटा सा ही है। वेल, आई शो यू, चलो पहले दिखा सा एक नज़ारा दिख जाएगा विच इज़ दिस। Isn't it beautiful?
और यू गाइज ऑल नो कि वाटरफॉल का वो दूर से व्यू पॉइंट से देख के मेरे को वो मज़ा नहीं आता है। जब तक ना वाटरफॉल के नज़दीक में जाओ, वो पानी के साथ बैठो, तब तक वाटरफॉल का मज़ा है कहाँ पे? तो इसके लिए मैं वो चट्टान के वो उसके बाद नीचे जा रहा हूँ और भी टू इन्जॉय द वाटरफॉल। और ऑलमोस्ट मैं आ गया वाटरफॉल के एकदम नज़दीक में। लोग सब देख सकते हो, दिस इज ब्यूटीफुल। सो जूना वाटरफॉल ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सीता वाटरफॉल के लिए। और हमारे आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा था। आप लोग देख ही सकते हो, साल की पहले बारिश के साथ साथ ये नेचर कुछ ज़्यादा ही खिल गया। चारों तरफ बस ग्रीनरी और ग्रीनरी, और मेरे को चाहिए था कुछ ऐसा ही वाला माहौल। सो बिफोर आई केम, विच आई फील बहुत ही कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। सो वट विल आई डू, आई विल गिव एज मच एज इंफॉर्मेशन इन दिस व्लॉग। सो आप लोगों को शायद ये बहुत ही हेल्प होगा। सो हमारे ऑटो आ गया सीता फॉल्स के तरह। तो मेन जो रास्ता है ना, रास्ते के ये मतलब इधर ही जो ये जगह पे रास्ता ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे बोर्ड जो लिखा है, और ये मेरे पीछे जो एम्प्टी वाला जगह दिख रहा है ना, दीज आर द पार्किंग प्लेस। और दिस इज़ गुड कि हमने ना सुबह का 8 बजे के बीच में, 8:30 बजे लगभग बज चुका है, 8:30, और हम पहुँच गए तो जगह बहुत ही खाली खाली है। तो आई थिंक ये अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि अच्छा सा फ़ोटो और शॉट भी मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आप लोग बाइक से आ रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है। रास्ते में ऐसे लिखा विखा है कि सीता वाटरफॉल का मतलब आपका वो मेंशन रहता है एकदम अच्छे से। इवन आप जब ये लोकेशन पे आओगे ना, तो इट्स ऑलरेडी रिटन देयर कि सीता वाटरफॉल्स, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इवन हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये बोर्ड के जस्ट पीछे से ना ये सीढ़ी जाता है पीछे की तरफ, तो वो आपको लेके जाएगा सीधा सीता वाटरफॉल तक। सीता फॉल्स के लिए ना आपको एक चीज़ जो है यहाँ पे सीढ़ी बना के रखा है, विच इज़ वेरी गुड, यू कैन सी। और ये जो सीढ़ी है सीधा नीचे तक जाता है, 255 स्टेयर्स आर हियर। तो जा रहे जाने के टाइम पे तो मज़ा आ रहा है, पता नहीं आने के टाइम पे कैसा लगेगा, क्योंकि तब तो थक जाएंगे। बट या सीरियसली गाइज, दिस इज़ रियली वेरी गुड कि ऐसे अच्छे से ना एकदम टाइल्स वाइल्स लगा के मस्त सीढ़ी बना के रखा है। सो द थिंग इज दैट कि मतलब एंजॉय, यू कैन कम विथ योर फैमिली एज वेल, सो बच्चे के लिए भी दिक्कत नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड।
और भाई साहब ये जो सीता वाटरफॉल का व्यू आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो वाटरफॉल जो है ना ये इवन बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, मैं नीचे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज टू गुड मैन। हम लोग वो स्टेयर्स ख़त्म करने के बाद भी जा रहे हैं वाटरफॉल के नीचे की तरफ, और अगेन वन मोर थिंग, नीचे मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रैपर एम्प्टी वाटर बॉटल दिख रहा है। प्लीज़ गाइस डोंट डू दिस। अगर आप लोग ला रहे हो ठीक है, कीप इट विथ यू एंड एक साथ इकट्ठे करो जहाँ पे बाहर बहुत जगह पे डस्टबिन मिलता ही है, डस्टबिन में थ्रो करो। ऐसे नेचर के साथ ऐसे छेड़खानी करना अच्छा नहीं होता है ना। दिस स्मॉल मैसेज प्लीज़, देख ये हमारा ही। दिस लवली सीता वाटरफॉल बिहाइंड मी, बहुत ही अच्छा यार। सी और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो ऊपर है, वो दूर से दिखेगा तो नीचे से बस इतना ही है, बट इट्स टू गुड यार। और एक चीज़ अच्छा है क्योंकि जगह एकदम खाली है तो हमको बहुत ही अच्छा वाला व्यू आ रहा है। वाटरफॉल देखने के बाद ही ना जब आप वापस आएंगे बाहर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएगा जहाँ से आप लोग अपना लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी कर ही सकते हो। इवन आप अगर बता के जाओगे पहले से सो दे विल मेड राइस देन दाल रोटी वगैरह सब कुछ थोड़ा नमक वो लोग बना के रखता है। एंड हियर आई एम हैविंग माई लंच, और ये जो है ना प्राइस भी बहुत कम है। वेल मैं आपको खाने के टाइम पे दिखाता हूँ, अब तक तो आया नहीं, वंस इट विल कम आई विल शो यू। ये हमारे लंच थाली है आज के लिए, ये आपको पत्ते का प्लेट दिख रहा है और राइस दाल और आलू फ्राई कांदा भी दिया गया है। लवली है बट इसके ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, दिस इज ओनली 80 bucks। या अभी हम लोग निकल पड़े हुडरू वाटरफॉल के लिए जोना और सीता दोनों ही देख लिया, तो जोना वाटरफॉल से हुडरू वाटरफॉल का डिस्टेंस रहेगा अराउंड 35 किलोमीटर। सो वही सेम ऑटो पे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं चलो, क्योंकि अभी धूप भी आ गया, सुबह सुबह मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अभी धूप है, गर्मी भी होना चालू हुआ, लेट्स सी देखते हैं। और वन मोर इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद यू, इन दिस होल ट्रिप आई हैव कंप्लीटेड ओनली 2,000 rupees, ऑल इंक्लूडेड ट्रैवल फूड एंड ऑल टिकट्स एज वेल। एंड नाउ द फाइनल डेस्टिनेशन विच इज हुडरू वाटरफॉल, जहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे भी वो टिकट काउंटर बना के रखा है, फॉर दैट आपको पर पर्सन 10-10 rupees चार्जेस आता है उसका, तो
गाड़ी हमारे ऑटो जो था वो पीछे ही उसने मतलब भैया ने रख दिया, यहाँ से पैदल पैदल ही जाना है। थोड़ा सा रास्ता जो है जाके सामने जाके शायद सीढ़ी जैसा कुछ मिलेगा आगे जाके, चलो देखते हैं। और ये जो जगह है जहाँ से आपको वही सेम टिकट चेक करवाना पड़ेगा, चेक करवा के दे विल गिव यू द एंट्री इन द सेम वे एज लाइक द स्टेयर्स, आपको वाटरफॉल के नीचे तक लेके जाएगा। दिस गुड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेयर्स के दोनों साइड में छोटे छोटे ढेर सारे स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, क्यूकुम्बर और ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। थैंक यू। एंड देयर आर मैनी स्टॉल विच वॉज विद दैट हैंडीक्राफ्ट एज वेल। And yes, this is the Hutru waterfall which is behind me. आप लोग देख सकते हो पानी थोड़ा सा कम है, बट शायद कुछ दिनों से बारिश नहीं हुआ, इवन दैट्स अ मॉनसून एज वेल, बट सीरियसली इट्स लुक गुड, यू कैन सी। और वाटरफॉल छोड़ के बाकी अगर कोई नज़ारे के बात कर सकता हूँ तो दिस इज अमेजिंग। सी this is too good. I'm enjoying, man. और यहाँ पे खत्म होता है आज के जर्नी। Again, we will made in a new vlog with a different location. तब तक के लिए stay tuned and don't forget to subscribe my YouTube channel. Do like, share and comment as well. Thank you.